नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं आलोक। तो भाई ट्रंप जीता है और दुनिया भर में इसकी चर्चा है। तो हारिस सुल्तान का वीडियो बहुत दिनों बाद आया है, 2-3 हफ्तों बाद आया मुझे लग रहा है। तो इनका एंगल सुनना बड़ा मजेदार रहेगा, क्योंकि इनकी एनालिसिस जरा पाकिस्तानी साइड से और बाकी चीजों को देखते हुए होती है। तो टाइटल है ट्रंप जीत गया, अब क्या होगा। तो चलिए जरा देखते हैं कि हारिस भाई की एनालिसिस क्या कह रही है। और बड़ी अच्छी खबर है, ट्रंप फिर से जीत गया। और 2016 में जब ट्रंप जीता था तो मैं चूंकि उस वक्त आई थिंक आई वाज हेडेड टुवर्ड्स वोकिज्म, मे बी आई वाज, एंड दूसरी वजह ये थी कि उस वक्त आई बिलीव्ड द लाइज दैट आर पैरल्ड बाय द फार लेफ्ट, कि ओ जी फैशिस्ट आ जाएगा, डिक्टेटर आ जाएगा, न्यूक्लियर बटन पे उंगली होगी वगैरह वगैरह। एनीवे आई कांट अफोर्ड इनटू इट, सो आई वाजंट रियली दैट हैप्पी, बट आई वाजंट ओवरली स्केयर्ड आइदर एज सम अदर पीपल वर। लेकिन इस दफा क्योंकि अब दुनिया बहुत बदल चुकी है और आखिरी 4 सालों में हमने वोकिज्म की जो मैडनेस देखी है, हमने देखा है कि किस तरह रेडिकल लेफ्ट ने और ये अक्टूबर 7 के बाद जो हुआ फार लेफ्ट ने कैसे जहादियों को, इस्लामिस्टों को इम्बोल्डन किया। और आपको नजर आता है कि न्यूयॉर्क की गलियों में हर जगह पे सड़कों पे एहतजाज हो रहे हैं, गंदे गंदे एहतजाज हो रहे हैं, अमरीका के झंडे जलाए जा रहे हैं और यूनिवर्सिटियों में क्या तमाशा हो रहा है, यानी पागलपन आया हुआ। जिसकी वजह से मैं यही सोच रहा था कि कैसे हो सकता कि ये इतनी प्राउड नेशंस अपने मुल्क की धजियां इस तरह उड़ते हुए देखे, और किसके लिए, किस कॉज के लिए, उस कॉज के लिए जिससे उनकी हिस्ट्री, उनकी वैल्यूज मुताबकत नहीं रखती, यानी उससे उनकी वैल्यूज मिलती नहीं है। ये जो फलस्तीन की जो मूवमेंट है, गजा की जो मूवमेंट है, वहां पे जो खून खराबा हो रहा है, वो अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही होता है जब आप एक ऐसी जंग छेड़ देंगे जब आपके पास कोई ताकत नहीं है तो आपको छितर ही पड़ देगा। तो जो एक ह्यूमन सफरिंग जो है वो एक जगह पे, लेकिन जो इस्लामिस्टों ने जो यूनिवर्सिटियों में जो बदमाशी इन्होंने जो फैलाई उसका क्या होगा। मैंने बड़ी वीडियोज पहले भी जिसमें मैंने आपको दिखाया कि ट्रंप ने बड़ा अलियुल एलान किया हुआ था कि मैं इन लोगों को डिपोर्ट करूंगा, यानी वेदर वो ये काम कर सकता है या नहीं कर सकता ये और बात है, लेकिन उसको मैंडेट इस चीज का मिला। तो ये जो वोकिज्म की, जो फार लेफ्ट की जो मैडनेस थी, ये इनके मुंह के ऊपर आके फटनी थी। और ऊपर से हुआ क्या, अब बाइडेन, ओबामा, ये थोड़े जरा पुराने वक्त के लोग थे, यू नो दे वर सेंट्रिस्ट किस्म के डेमोक्रेट्स थे, सेम डेमोक्रेट्स थे। आई स्टिल लाइक ओबामा, इवन दो पीपल ब्लेम ओबामा लॉट फॉर दिस, फॉर द करंट मेस वी आर इन। एनीवे, लेकिन बाइडेन बूढ़ा ज्यादा हो गया। नहीं, बात बिल्कुल सही है, और ओबामा ने अमेरिका की बैंड बजा दी। भले ही ओबामा अभी प्रेसिडेंट नहीं थे, बट कंट्रोल उन्हीं का था पूरे का पूरा। जो बाइडेन रोबोट की तरह इधर उधर घूमता था वो जो बाइडेन नहीं था, उस रिमोट का कंट्रोल जो है वो ओबामा के पास था, ओबामा ही कंट्री चला रहा था। सोचिए, बहुत बड़ा गेम था ये, और अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है इससे। अमेरिका की जो वैल्यूज हैं, अमेरिका की जो कल्चर है, उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया इन लोगों ने। अब देखिए, चक्कर यही है कि भाई आपको इंसानों की जरूरत होती है काम करने के लिए, और हर सेक्टर में, हर जगह पर इंसान है, और वहां पर वैसे भी इंसान है जो बिल्कुल रेडिकलाइज लेफ्ट वाले भी, और उन्होंने बिल्कुल तबाही मचा दी है पूरी दुनिया में ये वोकिज्म वाला। बहुत बुरा है ये। अब देखिए, ट्रंप आ गए, आप अर्जेंटीना देख लीजिए, आप इटली देख लीजिए, आप जर्मनी देख लीजिए, फ्रांस में भी चल रहा है अभी, देखिए अभी आगे आएगा। हर जगह सेंटर से हटके राइट वाले लोग आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि रेडिकल लेफ्ट ने वो कर दिया है जो नॉर्मली इंसानियत के लिए ठीक नहीं होती चीजें। मुसलमानों को ये बता देना कि तबाह कर दो, यूरोप को तबाह कर दो, इधर कर दो, अभी भी चल रही चीजें। लेकिन अब जो है देश वो जाग गए, और धीरे 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 टाइम लगेगा, क्योंकि अब वहां के लोगों के दिमाग में ये बात चली गई ना कि यार ये तो कुछ और ही खेल खेल रहे हैं हमारे साथ। हमारे ही देश में आते हैं, हमसे ही नौकरी पाते हैं, हमारे टैक्स के पैसों पर पल रहे हैं, हमसे ग्रांट्स लेते हैं, और हमारे खिलाफ बातें, हमारे रिलीजन के खिलाफ बातें, हमारी कंट्री के खिलाफ बातें, हमें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, मार रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। ये बर्दाश्त कब तक होती चीज? याद करिए, जब हमास और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई थी तभी मैंने कहा था कि ये कॉन्फ्लिक्ट अच्छा हुआ कि शुरू हुआ, क्योंकि इससे कई नकाब उतरे हैं,
और सच्चाई सामने आई है, बीमारी डायग्नोस हो गई है। यही बीमारी अगर आज से 50 साल बाद डायग्नोस होती, ये इलाज के काबिल नहीं थी, इसका इलाज नहीं हो सकता था। 50 साल पहले ये चीज डायग्नोस हो गई, ये बीमारी अब इलाज हो जाएगा इसका, और इलाज शुरू हो चुका है, पूरी दुनिया में इलाज शुरू हो चुका है, और जहां पर नहीं हो रहा है वहां पर लोग शुरू कर देंगे। आप देखिएगा हो गया, उसकी स्पीच भी स्लगिश थी, उसको पर डिमेंशिया भी ऑनसेट था, लेकिन वो खींचता रहा तो हुआ क्या, प्राइमरीज के थ्रू नहीं गए, उसने पहले विड्रॉ नहीं किया। अगर वो पहले विड्रॉ कर लेता तो बाकी के जो थोड़े जीरक डेमोक्रेट्स हैं उनको प्राइमरीज के थ्रू होके जाना था, लेकिन क्या किया उन्होंने, हेलीकॉप्टर कर दिया कमला हैरिस को। कमला हैरिस जॉर्ज डब्ल्यू बुश का मजाक उड़ाते थे। कमला हैरिस की ऐसी ऐसी वीडियोस पड़ी हुई है कि शी वुड हैव बीन द स्टूपिडेस्ट प्रेसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका। आपने जॉर्ज डब्ल्यू बुश को भूल जाना था, जो उसके गैफ्स मिलते थे ना, उसके ब्लूपर्स मिलते थे, इसने पागल कर देना था। अब मैं ये समझ नहीं सकता कि एक जो फॉर्मर प्रोसिक्यूटर हो वो इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है। अब प्रॉब्लम ये है कि वो बेवकूफ नहीं है, स्टूपिड नहीं है, जारी बात है आप इतने आगे तक पहुंच जाए आप स्टूपिड तो नहीं हो सकते, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये वो औरत है, फार लेफ्ट की इसकी आइडियोलॉजी थी, यानी ओपन बॉर्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके पास थी एज अ वाइस प्रेसिडेंट। धजियां उड़ा दी, 13 मिलियन इलीगल माइग्रेंट्स आए यहां पे, वेनेजुएलन गैंग्स ने अपार्टमेंट की बिल्डिंगों के ऊपर कब्जा किया हुआ, और ये इतने कई हमारे ऐसे ऐसे बेचारे पेंडू पता नहीं वेस्ट में कभी रहे नहीं, इनको पता नहीं है, तो वो समझते हैं अगर आप माइग्रेंट हो तो आपको हर तरह के माइग्रेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए। और यार हम लोगों ने मेहनत करके अपने पासपोर्टों को कमाया, हमने टैक्स दे के वीजे लेके फिर उसके बाद दोबारा वीजे रिन्यू करवाए हुए, उनको दिखाया कि भाई हम बड़े अच्छे शहरी हैं, कोई कानून नहीं तोड़ा क्योंकि हमें डर था कि हम डिपोर्ट हो जाएंगे, हमने मेहनत करके सिटीजनशिप कमाई, कश्ती में बैठ के नहीं आ गए। तो जब कश्ती में बैठ के जब आप आओगे, इजी कम इजी गो, तो उस तरह के लोगों को क्या इज्जत होगी उस पासपोर्ट की। तो वही हमने देखा कि 13 मिलियन लोग गेटोस बन गए ओवरनाइट अमेरिका में, 4 सालों में गेटोस बन गए वहां पे, तो लोगों में गुस्सा फैला था। तो ये एक उसकी ओपन बॉर्डर पॉलिसी थी, जो सारी पता ये नहीं हो सकता ऐसे कि आप इतनी तेजी से इतनी तबाही आप फेर दें, तो वो भी नहीं हुआ। अच्छा जी, मैडम की क्या पॉलिसी थी कि जो माइग्रेंट्स हैं उनकी जेंडर चेंज सर्जरियां यूएस हुकूमत के टैक्स पेयर्स करेंगे, ये मैडनेस जो थी इनके मुंह में फटनी थी। अच्छा, अब दूसरा बड़ा प्रोपेगेंडा करते रहे हमेशा की तरह 2016 की तरह, फिर इन्होंने किया कि जी पोल्स बता रहे बड़ा नेक एंड नेक मैच होगा, आखिरी वोट जब पड़ जाएगा तो हमें काफी दिनों तक हमें पता नहीं चलेगा कि कौन जीता है। ट्रंप ने फिर से मानने से इनकार कर देना, जो कि पॉसिबल है उसने कर देना था क्योंकि ट्रंप थोड़ा मुंह फट किस्म का आदमी है, लेकिन एनीवे, लेकिन फिर से इनके पोल्स गलत साबित हो गए। ये गलत है, विशफुल थिंकिंग है या आउट राइट लाए है क्या पता है इसका, लेकिन इलॉन मस्क ने बड़ी अच्छी एक आइडिया पैरेट किया था। वो इन पोल्स को कोट नहीं कर रहा था, वो बैटिंग ऑर्ड्स को कोट कर रहा था, और बड़ा सेंसिबल बात है, बैटिंग ऑर्ड्स में बिल्कुल यही प्रेडिक्शन थी कि ट्रंप की लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी। ये कह रहे थे उसको पॉपुलर वोट में हार जाएगा, वो पॉपुलर वोट में भी जीत गया। उसको ब्लैक्स का वोट सबसे ज्यादा पड़ा, लातिनोस का वोट पड़ा, वो जो अभी पोर्टोरिको का उन्होंने कर दिया था, वो जी वो कॉमेडियन ने कह दिया आइलैंड ऑफ गार्बेज है, वो पोर्टोरिकन्स ने आके कहा नहीं हमने अभी भी इसको वोट देना क्योंकि ये जो वोक मैडनेस है हम इसके साथ नहीं टिक सकते। पेंसिल्वेनिया में आई फॉरगॉट मुझे नंबर भूल गया है, पता नहीं 1 मिलियन लातिनो वोटर्स थे, उन्होंने जारी बात है इसको ट्रंप को वोट पड़ा और कुछ 3 परसेंटेज पॉइंट से पेंसिल्वेनिया भी जीत गया, यानी धज्जियां उड़ा दी। और ये वो किस्म के खिलाफ नारेबाजी है, अमेरिका के झंडे लहराने, मर्दों को औरतों के साथ कंपीट कराना। वो इमान खलीफ जो थी, वो जो अल्जीरिया की जो जीती, मुसलमान इतने ये अंधे हैं कि इन्होंने जी वो मुसलमान है बस उसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। वो भी लीक रिपोर्ट आ गई कि वो उसका एक्स वाई क्रोमोसोम है, वो मर्द है, वो औरत नहीं है, लेकिन इन्होंने उसी को सपोर्ट करना था। इतने बेशक के इनकी लॉयल्टीज किसी के साथ नहीं, सिर्फ इनकी अपने लोगों के साथ लॉयल्टीज है। ये फलस्तीन, इनको अमरीका से कोई लेना देना, इनको यूके से कोई लेना देना नहीं, इनका फलस्तीन का इनको करेंगे जो फलस्तीन का साथ देगा तब ये उनके साथ होंगे। और मजे की बात ये हुई, सोने पे सुहागा ये हो कि मिशिगन में बहुत ज्यादा मुसलमान है, उन्होंने भी ट्रंप को इंडोर्स कर दिया। क्यों? अब ये डेमोक्रेट्स, ये जो इस्लामिस्टों की जो अलायंस है फार लेफ्ट के साथ, ये कभी चल ही नहीं सकती थी। मैंने सबसे पहले कहा था ये अनहोली अलायंस है। क्यों? अब वो कमाला की वीडियो फिर रही है, बड़ी राउंड कर रही है, वो जब मुसलमानों के वोट लेने गई तो उनके सामने फलस्तीन में बड़ा जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, उसी वक्त अगली रैली में यहूदियों के वोट लेने गई तो उनको कहती मैं हमेशा इसराइल के साथ खड़ी रहूंगी। ये डुप्लिसिटी थी, तो मुसलमानों की लोलो पोचो कर लो, वो आपको वोट तो दे देंगे लेकिन मुसलमान डुप्लिसिटी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि ट्रंप चलो मुंह पे हमें कहता है कि मैं नेतन्याहू के साथ हूंगा, हमने उसको वोट देना है, इसको नहीं देना। वो मुसलमानों ने भी ट्रंप को वोट दे दिया। तो ये दो नहीं, इस बात से मैं अग्री नहीं करता कि मुसलमानों ने ट्रंप को वोट दिया। और अभी तो और डेटा आना है, अभी पिछले वीडियो में मैंने ये डेटा दिखाया है कि वोट्स नहीं गए हैं, 10 से 11% कहीं वोट गया है मुसलमानों का ट्रंप को, बाकी नहीं गया है।
90% वोट अगेंस्ट गए, वो है कमला हैरिस में और वो जो स्टेन है, क्या है नाम है जो तीसरा था, उसके बीच बट गए हैं वोट मुसलमानों के, तो बट गए तो कट गए। तो याद रखिए, बटना नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे, समझ रहा है ना। ये दो नंबरी जो चल रही थी वो किस्म की, दोनों तरफ से खेलना, और ट्रंप की प्रेसिडेंसी में सिर्फ मुझे एक चीज का खौफ है, वो ये कि यूक्रेन के लिए बुरी खबर है। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों की उम्मीद यही है कि जब ट्रंप ऑफिस पे आएगा तो शायद जो पेंटागन है या जो एडवाइजर्स हैं वो इसको डिसवेट करेंगे कि भाई आप यूक्रेन को अबैंडन नहीं कर सकते, इट्स जस्ट अ होप। लेकिन उसके अलावा ओ हो ईरान की इस वक्त इनको बेचारे सारे मुल्ले जो है ना टॉयलेट में बैठे हुए होंगे, हुतियों की, हमासियों की, हिजबुल्लाहों की, इन सारों की चीखें निकल जाने, क्योंकि अब ट्रंप ने कहना है नेतन्याहू राज्य के धजियां उड़ाओ इन दहशतगर्दों की, तो इनके तो बेड़े घर कौन है, और आप देख रहे हैं इनकी भी चीखें ऊपर आसमान तक जाएंगी। लेकिन फिर मुझे समझ नहीं आती इनका ईमान, और ये होना शुरू हो गया। आरिस भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैंने खबर अभी पढ़ी थी, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। हुतीज ने सीज फायर कर दिया, ट्रंप के जीतते ही हुतीज ने कहा भैया माफ कर दो हम सीज फायर करते हैं, सारी हेकड़ी निकल गई हुतीस की, क्योंकि पता है उनको कि ट्रंप आया है और ये बहुत बुरा है, बहुत मारेगा। इजराइल को खुला सपोर्ट करेगा पैसे से, हथियारों से, और बोलेगा कि चलो देखा जाएगा, अभी तो क्लियर करो, ये गटर जाम हुआ है, गटर से कीचड़ को निकालो, कीड़ों को मारो, क्लियर करो एकदम गटर। तभी तो इसराइल के पीएम का ट्वीट देखा आपने, स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, जो ट्रंप जीता था उसके बाद बोला कि पुराना दोस्त आ गया है, बढ़िया एकदम मिल बैठेंगे दो यार, अब हमास का करेंगे काम तमाम ईरान का भी ईमान नहीं लड़खड़ाता है, इनके जहन में ये नहीं आता कि अल्लाह मियां क्यों मुसलमानों के दुश्मनों को ही ताकत पे ताकत दिए जा रहा है। तो anyway, तो ये ट्रंप की विक्ट्री आई, और फिर से इन्होंने 2016 की अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखा। इन्होंने नहीं सीखा कि ट्रंप को फैशिस्ट बोलेंगे, हिटलर बोलेंगे, मिसोजिनिस्ट बोलेंगे। औरतों का सबसे ज्यादा एग्जिट पोल के मुताबिक सबसे ज्यादा औरतों के वोट ट्रंप को पड़े, औरतों के वोट, सियाफ आम लोगों के वोट, लतीनों के वोट, मुसलमानों के भी वोट, क्योंकि एक तरफ ये कहते थे कि ट्रंप रेसिस्ट है, दूसरी तरफ कहते थे ट्रंप को पता नहीं कि क्या बोलता है, और वो क्योंकि वो इमरान खान की तरह वो टेलीप्रॉम्प्टर से नहीं बोलता, इसलिए वो हाइपरबॉलिक लैंग्वेज यूज कर जाता, बहुत सारी दफा बातें ऐसी कर जाता जो कॉन्ट्राडिक्टरी होती है, लेकिन इन द कॉन्टेक्स्ट दे मेक सेंस, बिकॉज क्योंकि ट्रंप बिलीव करता है कि मैं लोगों को अपने कैरिज्मा से अपनी तरफ माइल कर लूंगा। जैसे अगर वो पुटिन से बात, अब ये बड़ा मशहूर, अब ये बात ओपन हो गई है कि ट्रंप ने पुटिन को अपनी पहली प्रेसिडेंसी में कहा था कि अगर तुम यूक्रेन में हमला करोगे तो मैं मॉस्को पे बम गिरा दूंगा, तो पुटिन ने उसको कहा नहीं आप नहीं ऐसे करोगे, उसने कहा व्लैड व्लैड रियली वुड। अब ये बहुत सारे लोगों ने इस बात को कंफर्म किया। नाउ अब ये डिप्लोमेटिक नॉर्म्स नहीं है, वो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स की परवाह नहीं करता, वो स्पीच प्रोफेशनल स्पीच राइटरों की स्पीच को परवाह नहीं करता। बट एनीवे आई थिंक विल सी। लेकिन हमारे थोड़ा जरा वापस अपने पाकिस्तान में भी आ जाते हैं, हमारे बहुत सारे यूथी है जो वो बड़े खुश हैं, बड़े इन्होंने अभी पिछले दिनों को एक वीडियो वायरल हुई हुई थी ट्रंप की एआई से बनाई हुई थी कि मैं आते ही इमरान खान को जेल से निकलवा लूंगा। नाउ वो साबित हो गया कि वो खबर तो झूठी थी, लेकिन इट इज एक्चुअली क्वाइट पॉसिबल कि ही माइट हेल्प आउट इमरान खान, इट इज समवट पॉसिबल। लेकिन पाकिस्तान एक बड़ा इनसिग्निफिकेंट सा प्लेयर है, आई डोंट थिंक के कोई उसकी टॉप प्रायोरिटी तो नहीं होगी, लेकिन ट्रंप है पर्सन बंदा, वो इंस्टीट्यूशंस पे या जो एक प्रोसेसेस के ऊपर बिलीव नहीं करता, वो बिलीव करता है अपने इंडिविजुअल रिलेशनशिप्स के ऊपर। सो आई थिंक दिस इज व्हाट ही इज गोइंग टू डू। लेकिन एक चीज की जो यूक्रेन का बस एक थोड़ा खौफ है, आई होप कि शायद वो मसला ना हो, लेकिन उसके अलावा हर चीज के ऊपर आप देखिएगा कि आई होप जो ट्रंप ने कहा था कि मैं मैस डिपोर्टेशन करूंगा हर उस प्रो गजा की, हर उस बंदे की जिसने अमरीका के खिलाफ नारे लगाए, अमरीका के झंडे लगाए, मैं उनको डिपोर्ट करूंगा, वीजे कैंसिल करूंगा। ना वीजे कैंसिल करने तक की बात तो ठीक है, वो तो वो हो सकता कर दे, और दूसरा उसने कहा था मैं मैस डिपोर्टेशन करूंगा, ये जो 13 मिलियन इलीगल माइग्रेंट्स आए हैं, और हमारे भी जो माइग्रेंट्स बेचारे गए हुए उधर, वो समझते हैं कि सारे माइग्रेंट्स को हमने, क्योंकि हम इमिग्रेंट है तो हमें हर तरह के ऐरे गैरे इलीगल इमिग्रेंट को सपोर्ट करना चाहिए, हमारी लॉयल्टी माइग्रेशन या इमिग्रेशन या इलीगल माइग्रेंट या लीगल माइग्रेंट के साथ नहीं है, हमारी लॉयल्टी उस मुल्क के साथ होनी चाहिए जिसका हमने ओथ लिया कि हम उस मुल्क के वफादार होंगे। ये मैं बड़ी दफा एग्जांपल दे चुका हूँ, ये ऐसे है कि मेरे पास गाड़ी का लाइसेंस है, इसलिए जितने लोग हैं गाड़ी के लाइसेंस वाले मैं सारों की सपोर्ट करने लग जाऊं, चाहे वो ड्रिंक ड्राइविंग कर रहा हो, डेंजरस ड्राइविंग कर रहा हो। ओ भाई अगर आप इमिग्रेंट हैं तो इसका मतलब
मतलब ये नहीं है कि आप हर माइग्रेंट के साथ खड़े हो जाएंगे, चाहे वो इलीगल माइग्रेंट क्यों ना हो, ऐसा नहीं होता। एनीवे इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग अगले चार साल। मुझे लगता है कि ये जो वोकीज हैं इन्होंने 2016 की तरह टिक के उसको प्रेसिडेंसी नहीं करने देनी, आए दिन कोई ना कोई ड्रामेबाजी करते रहना। आई होप, और मुझे ये भी लगता है कि ट्रंप शायद विक्टिमाइजेशन वैसी नहीं करेगा जैसी विक्टिमाइजेशन इन्होंने की। जैसे ही ट्रंप ने ऐलान किया कि मैं अगले इलेक्शन लड़ूंगा, तो इन्होंने केसेस के ऊपर केसेस करने शुरू कर दिए। हालांकि पहले दो साल इन्होंने कोई केसेस ट्रंप के ऊपर नहीं थे किए। ये लेफ्ट की जो बीमारी है, मुझे लगता है कि आई थिंक द एंड ऑफ दिस वोक मैडनेस एरा हैज जस्ट बिगन। एनीवे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट्स में अपने ख्याल। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। इनका एंगल भी सुनना अच्छा लगा, कई चीजें इन्होंने इसमें बताई। मुझे जो लग रहा है कि देखिए, लोहा जब गर्म हो तो हथौड़ा मारना ज्यादा कारगर होता है, क्योंकि आपका वार जो होगा भले ही हल्का लगे, लेकिन जितनी ताकत से आप मारेंगे ना, उसका असर दिखाई देगा उसको। आप ठंडे लोहे पे मारेंगे तो बदलाव नजर नहीं आएंगे। आप कितना भी तेज मारेंगे ठंडे लोहे पे तो वो बदलाव नजर नहीं आएंगे, जो गर्म लोहे पर हल्की चोट के साथ भी बदलाव आप कर सकते हैं। तो इतनी जल्दी ट्रंप नहीं करेगा, ट्रंप भी आएगा धीरे 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 धीरे। फिर वो पॉलिसीज में आएंगी ना चीजें, पहले इन होना बंद होगा, फिर धीरे धीरे डिपोर्टेशन चालू होगी, पहले उन लोगों के जो कि इलीगल हैं, फिर मुसलमानों से तो प्यार ट्रंप को बहुत ज्यादा है, कई बार बता चुके हैं, फिर धीरे धीरे चीज वैसी जो रेडिकलाइजेशन वाली होंगी उनको बाहर किया जाएगा। और उसका तो एक ही नारा है, वी विल मेक अमेरिका अगेन ग्रेट अगेन। तो ग्रेट तभी होगा जब आपके यहाँ जो आपको बर्बाद करने वाले, तबाह करने वाले लोगों की संख्या कम हो जाएगी, और मुसलमानों से बढ़कर अभी फिलहाल कोई नहीं। जिस देश में जा रहे हैं उस देश में ही बवाल कर रहा है, जिस देश में जा रहे हैं वहीं पर वहां के लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ये होना शुरू होगा। और मैं तो बहुत पहले कहा था, मैंने कहा अमेरिका में भी जल्दी होने वाला है काम। ट्रंप का आना मुझे लग रहा है कि यूक्रेन वॉर पर इसका असर पड़ेगा, और मुझे लग रहा है कि यूक्रेन वॉर ट्रंप रुकवा देगा, कुछ ना कुछ जुगाड़ करेगा, वो रुकवा देगा। इसराइल हमास अभी क्लियर नहीं होगा, क्योंकि ये ट्रंप भी बात जानता है कि इसराइल पर अगर उसने दबाव बनाने की कोशिश की तो इसराइल सुनेगा नहीं। जब तक इसराइल के टारगेट अचीव नहीं होते, इसराइल ने जो डे वन पर टारगेट अचीव किया था, टारगेट सेट किया था, वो जब तक अचीव नहीं होगा वो नहीं छोड़ेगा। उसने तो अपने डिफेंस मिनिस्टर को नहीं छोड़ा, नेतन्याहू ने बोला कि तुम मेरे अगर हिसाब से नहीं चलोगे निकलो यहां से। सोचिए, तो इसराइल हमास वॉर पे तो फिलहाल कोई असर होता नहीं दिखा। पाकिस्तान और अमेरिका के कंडीशंस पे मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान को कुछ पैसे मिलेंगे अमेरिका से, मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ एड उड मिलेगी, लेकिन उसके एवज में जो काम कराएगा अमेरिका पाकिस्तान से, वो पाकिस्तान के लिए फिर बहुत घातक साबित होने वाला है, बहुत ज्यादा। और वो ईरान के रिलेटेड चीज होगी, आप देखिएगा, वो ईरान के रिलेटेड होगी, क्योंकि ईरान ने अगर बात नहीं मानी ट्रंप की तो बहुत मुश्किल होने वाली है ईरान के लिए, और उसके लिए जरूरत पड़ेगी पाकिस्तान की। तो पिछली बार अफगानिस्तान के लिए अमेरिका ने ऐसा किया, और इस बार ईरान के लिए पाकिस्तान का यूज करेगा, तो उसके लिए कुछ मुंह भरेगा, वो देखिएगा होगा ऐसा। आप क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। जल्दी मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में यह सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो जी दोस्तों, वीडियो हुई खत्म। इससे पहले हम एक वीडियो में ट्रंप की जो बातें थी मुसलमानों को लेकर वो सुन चुके हैं। लोकसभा की आई थिंक वीडियो थी उसमें कि जो बयान दिए मुसलमानों को लेकर और इलीगल माइग्रेंट्स को लेकर, उनकी तब शामत आ गई। मैं तो हैरान हूँ, इन तीन चार सालों पांच में 13 मिलियन यानी 1,30,00,000 लोग एंटर हुए हैं यूएस में। मैक्सिकन सबसे ज़्यादा होंगे, सारी बात है, बॉर्डर शेयर करते हैं। इंडियन बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तानी कम ही है, पाकिस्तानी कम ही है, इतने दूर डंकी कम में लगाते हैं। वो डंकी का ये जो यूएस में डंकी है, मैक्सिको से यूएस, ये इंडियन ही लगाते हैं। हमारे इस एरिया से पाकिस्तान से मैंने नहीं सुना कोई इसने किसने लगाई अमेरिकन की डंकी। नहीं, ये गुजरात और साइड पे लगाते हैं, लेकिन बहुत कम, 100 में से 5-10 लगाते हैं। इधर ज़्यादा इटली की लग रही है, यूरोप की लग रही है।
हाँ ये जिस तरह वो हैरिस भी कह रहा था कि शिप पर बैठ कर नहीं हम आए, हमने वीजे मेहनत से कमाए हैं, हमने रिन्यू करवाया वीजे, हमने टैक्स पे किए हैं, हमने एक अच्छा शहर लिविंग सबूत दिया है। तो वो सही कह रहे हैं क्योंकि हमारे तो इधर लगाव जा रहे हैं, भरमार हो रही है हमारे तो इधर सब। मैं तो इस चीज को अच्छे नहीं समझता। ये तो यूरोप का दिल बड़ा है कि वो फिर भी हमें नेशनलिटी दे गए। सब झूठ बोलते हैं, कुछ भी इधर ऐसा बात। अब जो उन्हें तो केस दायर करना है कि भाई हम क्यों इधर आ रहे हैं, आओ हम असाइलम के लिए, तो वो सारा झूठ होना, टोटली झूठ होना। सिर्फ और सिर्फ डॉलर के लालच में, यूरो के लालच में जा रहे हैं, पैसे ज्यादा कमा लेंगे, जिंदगी सेटल हो जाएगी, और कुछ नहीं। अदरवाइज बाकी तो जो कहानी फिट करेंगे वो सब झूठ होगा। खैर, अब बात आती है पाकिस्तान अमेरिका के रिलेशन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, हमास के रिलेशन। हुथी ने तो डिक्लेयर कर दिया, मैं तो ये हैरान हूँ, हुथीज ने डिक्लेयर कर दिया सीज फायर कि हम भाई अब इसराइल से नहीं लड़ेंगे। याद आया है ये कैसे हो सकता है? वो लोग सारे दिखा रहे थे, आपने देखा नहीं, या स्क्रीनशॉट दिखाया उसके ऊपर लिखा होती हमास नहीं, हुथीज जो यमन वाले मुझे हैं पता है, वही बात कह रहा हूँ। तो ऐसा नहीं हो सकता, कैसे यार वो करेंगे? उसका डर क्या उन्हें है? इतना सा इस मोमेंट को चलाया, इसको इस पे काम बस ने किया, नुकसान बहुत पहुंचाया यूएसए को और इसराइल को, बहुत नुकसान पहुंचाया यूरोप को भी, यूके को भी। और क्योंकि जितने वो शिप गुजरते सब पर वो मिसाइल मार देते थे, तो अरबों खरबों का नुकसान पहुंचाया उन्हें, थोड़ा बहुत नहीं पहुंचाया। असल नुकसान होते ही ये फाइनेंशियल है, बाकी नुकसान तो होते ही होते हैं। मुझे लगता है जो रीढ़ की हड्डी होती है फाइनेंस होता है किसी भी मुल्क का, अगर वो तोड़ दो तो मुल्क खुद ही कमजोर हो जाएगा। टूट जाए तो इस पे जो है ना बाकी। अच्छा, नेशनैलिटी होल्डर्स की बात करें या मतलब कि जो लेते हैं, तो ये तो वाकई मुश्किल होती है। ये कुछ पहले अलोक ने अपने डीडी रिएक्टर पे कम्युनिटी में लगाया था ना, कि यूएसए ने एक जहाज पूरा भर के भेजा है इंडिया में, जो इनलीगल जो माइग्रेंट्स वहां पर गए हुए थे उनका हाँ आया है, इंडिया में भेजा। आया है, इनको वीजे ऑफर नहीं हुए, मतलब जो इलीगल थे इंडिया में भेजे। बाकी हाँ सोचो, बाकी तो बाकी रह गए। वो हमने देखा था क्लिप, अपना स्क्रीनशॉट देखा था लोग का। तो ये भी वजह हो सकती है। दूसरी वजह, कनाडा के साथ रिलेशन को खराब हुए इंडिया के, तो वो भी क्योंकि कनाडा और यूएस एक ही तो है, हाँ एक ही है। वो तो नाम अलग रखे हुए हैं। बाकी जो पुलिस कनाडा में चल रही है या अमेरिका में चल रही है, उसका बहुत ज्यादा असर जो छाप है वो कनाडा में होती है, और कोई बॉर्डर भी नहीं है, बस एक रखा हुआ है। ये हमारी तरह के बॉर्डर नहीं होंगे, उनके तो बॉर्डर बिल्कुल है ही नहीं, इधर है ही मैंने नहीं, देखा एक हुआ लाइन है या एक पॉइंट उठ किया हुआ है कि यहाँ से आपकी हद है, यहाँ से हमारी हद है, बाकी यार। मैंने तो ये हमारे तरह सुना बॉर्डर बोर्ड नहीं है। है हाँ, एक मैक्सिको की साइड पे दीवार बहुत ऊंची हमारे यार। तरह। हाँ ये क्या रीजन है, ये मुझे पता नहीं चला। मैं बताता हूँ, दुनिया का सबसे ज्यादा मंशियात मैक्सिको में होता है स्मगल, बहुत ज्यादा मुंशियात फरोश मुल्क है, बहुत करप्ट मुल्क है मैक्सिको, दुनिया के करप्ट तरीन ममालिक में शामिल है, और बहुत ही बद मजहब लोग हैं मैक्सिकन जो मतलब ये सारे करते हैं। तो वो दीवारें प्लान में सारे जाते हैं इंडिया अमेरिका में, तो वहाँ ये ट्रेड होती है इनकी मंशियात की। आप देखेंगे कितनी रियासतें अमेरिका की तबाह कर दी है सिर्फ इन मैक्सिकन्स ने, हाँ बिल्कुल ऐसा नशा नशे लगाया। का। तो इनको चाइना अपनी सिक्योरिटी को ज्यादा बढ़ाया वहां पर वो डाल दीवार दिया। देखी है हमारे कमरे से भी 14-15-20 फीट ऊंची दीवार है, लेकिन मैंने जिन्होंने जाना होता फिर भी वो कहीं नीचे से तोड़ देते हैं, कभी ऊपर से फलांग को चले जाते हैं। मैंने देखी कई वीडियोस, वो ऊपर से फलांगते हैं तो जो पुलिस होती है सिक्योरिटी इदारे होते हैं इसके यूएस के, उनके पीछे भाग रहे होते हैं, लेकिन वो छुप छुपा कर भाग जाते हैं, निकल जाते हैं। हम मैंने काफी सीरीज दे चुका हूँ यूएसए के, जो बिल्कुल ज़ॉम्बीज बन चुके हैं, नशा करके नशा करके दिन रात नशा कर, उनको कुछ पता ही नहीं, मतलब को बिल्कुल मुकम्मल। एक यूट्यूबर पाकिस्तानी यूट्यूबर गया हुआ था, तो मैंने उसमें भी वीडियो देखी आज साल पहले, लेकिन अभी कुछ दिन पहले 10-15 दिन पहले की बात, इंडियन यूट्यूबर गया हुआ है, वो भी वो दिखा रहा था बिल्कुल ज़ॉम्बी बन चुके, जिस तरह ज़ॉम्बीज मूवी नहीं बनती उसमें होता, उसमें तो बिल्कुल ऐसे ही दे थे। आर टोटली कन्वर्टेड इन दिस, और फिर देखो वहां की जो पुलिस है वो भी दे उनको हैव नहीं नो सेंसेस, समझती। आई थिंक नो सेंसेस। आई हैव यूएसए वॉच के मैनी जो वीडियोस, हालात जो हैं वो अंदर से बहुत ज्यादा खराब है यूएसए के, बहुत ही ज्यादा, लेकिन ये ऊपर से उसकी कह रहे हैं कि धूम बाकी बत्ती है बात आ पूरी गई दुनिया में। हमास और इजराइल की। तो इजराइल के डोनाल्ड
और क्या नाम नेतन्याहू का ट्वीट देखा था, किसी की ग्रेजुएशन थी, उन्होंने कहा कि दोबारा हिस्टोरिक मूवमेंट आ गया, दोबारा दोनों इकट्ठे हो रहे हैं। बहुत बड़ा सपोर्टर है इसराइल का ये जो ट्रंप है, ईरान की भी नहीं खैर, और हम फिलिस्तीन फिलिस्तीन कहते हैं ना, फिर हमें भी अपना खुद सोचना पड़ेगा कि ट्रंप इसराइल का सपोर्टर है। बहुत बड़ा पाकिस्तान का उसने तो भाई काफी अब इस मरतबा बातें सुना दी हैं आते ही ट्रंप को यूएस से। क्या कहा उसने? कहा कि यूएस जो मर्जी करता रहा, यूएस से मतलब उसने कहा कि यूएस ने हमारे इतने सोल्जर्स बनाए, ये जो उन्होंने ख्वाजा आसिफ की बात, हां ख्वाजा आसिफ ने, मैं तो हैरान हो गया क्योंकि उनको पता है कि उसको उसने खान को निकलवाना है, तो क्योंकि खान को वो पर्सनली पसंद करता है। वो हैरिस भी कह रहा था कि ये जो है ना, ये इंडिविजुअल जो रिलेशन उस पर बड़ा फोकस रखता है ये जो है ना ट्रंप जो है। अब इसका इंडिविजुअल जो रिलेशन है नेतन्याहू के साथ बड़ा अच्छा है, इंडिविजुअल रिलेशन जो है इसका मामले में सलमान के साथ बड़ा अच्छा है, जैद के साथ बहुत जो यूए का, उसके बाद मोदी साहब के साथ बड़ा, ये बात सच है, ये जिसके साथ इंडिविजुअल रिलेशन रखता है उसके साथ भी रखता है, खान को पर्सनली पसंद है, तो हो सकता है कुछ समवट कुछ करे, कुछ एक्सटेंट तक तो ये कोशिश करे खान को बाहर निकलवाने की, हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं, ये मुमकिन है। लेकिन पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ गए ना मोहम्मद बिन सलमान पर, उसका मकसद यही था कि ट्रंप का जो प्रेशर वो हम बर्दाश्त इधर से करवाएंगे, ट्रंप की बात करवाएंगे मोहम्मद बिन सलमान के साथ, ज़ायद के साथ, और वो इनको कन्विंस करेगा कि हमने खान को नहीं बाहर आना, हम जो सिस्टम लेकर आए हैं हमने यही चलाना है, हमें ना छेड़े, हम आपके सपोर्टिव रहेंगे, हम आपको साथ हैं। ये बातें अंदर की यही हैं, ये जो हमारी आर्मी है ये आगे का सोचती है, आने वाले कल का सोचती है, होमवर्क करती है, हम होमवर्क नहीं करते। लेकिन गला घोंट के रख दिया, सांस बंद हो रही है, जो निकल रहे हैं वो जिंदा हो जा रहे हैं, उनकी सांस भी आ रही है, जो निकल के इटली यूके चले गए, यूएसए चले गए, कैनेडा चले गए, कहीं भी चले गए वो जिंदा है। हम तो मुर्दों वाली जिंदगी गुजार रहे हैं, मुर्दे आप ही हैं, खुद ही बताएं कि 3000 अगर हमारा कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो हमें पे करना पड़े 5000, 2000-1500 टैक्स देना पड़े, तो हम जिंदा है? उसके ऊपर बोलते भी नहीं है ना, उस पर हवा बोलते बोले क्या होगा, जेल में प्रोटेस्ट करोगे क्या होगा, कहीं प्रोटेस्ट देखे हर चीज कंट्रोल कर रही है डंडे से, डंडे ही आएंगे। लेकिन बस हम भी खत्म हो चुके हैं, बात ये भी मान, हम भी ना बिल्कुल हम खत्म। लेकिन ट्रंप के जीतने के बाद पाकिस्तान के अंदर कोई खास इन्वेस्टमेंट तो मैं नहीं समझता, हाँ खान के लिहाज से कोई अब डेवलपमेंट होगी तो नहीं होगी, ये अब देखना बाकी है। बाकी हमास की खैर नहीं है, ईरान की खैर नहीं है, इसराइल का दोस्त है नेतन्याहू का, बहुत जिगरी यार है ट्रंप, तो देखते हैं अब ये किस तरह अब यूएस दोबारा ग्रेटर बनाता है। लेकिन बंदा ये संकी है, जो ठान लेता है वो करता भी है, इसमें कोई शक नहीं है। खैर मिलते हैं वीडियो में, गॉड ब्लेस यू।